हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में जो है लक्ष्मी की जगह ऋषि को जेल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऋषि ने जो है लक्ष्मी से वादा किया हुआ था कि आज वो उसकी बेल कराकर उसे घर वापस लेकर जाएगा। तो जब ऋषि के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता लक्ष्मी को बचाने के लिए, तो वो एक तरकीब लगाता है जिसमें वो कोर्ट की हियरिंग कराता है और जज से कहता है कि दरअसल जो खाना लक्ष्मी ने बनाया था उस खाने में जहर नहीं था, हमने ही लो क्वालिटी का सामान दिया था ताकि हमें अच्छी बचत हो सके, जिसके कारण उस खाने को खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई। लक्ष्मी जो है ऋषि के इस झूठ को ना सुनते हुए जज को कहती है कि ऋषि सब कुछ झूठ बोल रहा है, खाने में जहर था और खाना बनाए जाने में सामग्री बिल्कुल भी लो क्वालिटी की नहीं थी। तभी लक्ष्मी रोते हुए ऋषि के पास आती है और कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जिस पर ऋषि लक्ष्मी को कहता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और मैंने तुमसे वादा किया था कि आज तुम घर वापस जाओगी। लक्ष्मी जो है ऋषि को झूठ बोलने से मना करती है, लेकिन ऋषि नहीं मानता और अपनी शादी की कसम लक्ष्मी को दे देता है। उसके बाद जो कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो अपना फैसला सुना देते हैं, जिसमें ऋषि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लक्ष्मी को छोड़ दिया जाता है। ऋषि को गिरफ्तार होते देख मलिष्का को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ऋषि को पाने के लिए लक्ष्मी को जेल भेजा था, लेकिन अब ऋषि ही जेल में चला गया है। उधर दूसरी ओर लक्ष्मी भी खूब फूट फूट कर रोती है, सभी परिवार वालों के सामने वहाँ यूज भी होता है। तभी वहाँ पर मलिष्का गुस्से में जाती है और लक्ष्मी का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसका आंसू पोंछती है और उसको कहती है कि मिल गई तुम्हें खुशी, तुमने मेरे ऋषि को जेल में भेज दिया जिससे मैं प्यार करती थी। और लक्ष्मी को कहती है कि अगर तुम्हें आंसू बहाने हैं तो शर्म के आंसू बहाओ और इन नकली आंसुओं का नाटक जो है मेरे सामने मत करो, जिस पर लक्ष्मी जो है उसको जमकर सबक सिखाती है। जिसके बाद लक्ष्मी कहती है कि हो गया तुम्हारा ड्रामा और मैं क्या हूँ ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है और मेरे प्यार को ऋषि बहुत अच्छे से जानता है और मुझे तुम्हें कुछ भी बताने और दिखाने की जरूरत नहीं, समझी। पर मलिष्का की बोलती जो है बंद हो जाती है, तो वही लक्ष्मी की चाची भी ये फैसला करती है कि बलविंदर जो है मुझे पैसे तो नहीं दे रहा है, तो क्यों ना मैं उसका सच सबके सामने बता दूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बानो सारी सच्चाई लक्ष्मी को बता देगी और क्या लक्ष्मी ऋषि को जेल से बचाने में कामयाब हो पाएगी? तो दोस्तों आगे की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।